बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर शमसा हुमायूं हूँ। मैं एज़ प्रो वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, हेड ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी डिपार्टमेंट, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, डीन सर्जरी एंड एलाइड, फातिमा मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुकी हूँ। इस वक्त मैं सरजी मेड हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी की चेयर हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12, जो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। अब हम आते हैं इसमें क्या यूनिकनेस है, क्या इंफरादियत है। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाट्राफोलिक। क्वाट्राफोलिक फॉलिक एसिड की एक एक्टिव फॉर्म है, जिसमें जिस्म के अंदर जाके फौरन अपना काम शुरू कर देती है। इसको फर्स्ट बाईपास से गुजरना नहीं पड़ता, यानी इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं होती। विटामिन बी ट्वेल्व हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने में अहम किरदार अदा करता है, और फॉलिक एसिड और विटामिन बी ट्वेल्व दोनों का एक बहुत ही अहम रोल है। अगर विटामिन बी ट्वेल्व या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो अनीमिया, जो कि हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है, और अबाउट 45-50% ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आउटसाइड प्रेगनेंसी अनीमिया का या खून की कमी का शिकार होती है। अब ये विटामिन B12 फॉलिक एसिड सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं चाहिए, ये बच्चों को भी चाहिए, क्योंकि बच्चों में भी एनीमिया बहुत कॉमन है, और ओल्ड एज पीपल को भी चाहिए, क्योंकि वहां भी जब तक आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जो कि RBC, जिसकी फॉर्मेशन में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड चाहिए, अगर वो पूरी नहीं होगी तो वो लेथार्जी, थकावट, बालों का गिरना, स्किन के प्रॉब्लम्स, ये प्रेगनेंसी के अलावा बच्चों में, बड़ों में और यंग और एडोलेसेंट्स में यकसां पाए जाते हैं। तो ये क्वाट्राफोलिक और विटामिन B12 की कॉम्बिनेशन हमें सिर्फ प्रेगनेंसी में, अगर मैं प्रेगनेंसी की बात करूं तो प्रेगनेंसी में तो बहुत ही अहम रोल है। हमारे पेशेंट्स हैं जो दे आर ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी, जिनको हम इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी कहते हैं, अगर विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, दे हैव डिफिकल्टी इन कंसेप्शन। सो अ नॉर्मल अमाउंट, अ मिनिमम अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड इन द बॉडी फॉर सेल प्रोडक्शन, फॉलिक एसिड RBCs के अलावा बाकी जो सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन में भी बहुत इसका अहम रोल है। सो फॉर कंसेप्शन, और जब अगर प्रेगनेंसी हो जाए उसके बाद अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या जिसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं, इंटरनेशनल रिकमेंडेशन आ गई है कि एक रिकमेंडेड डेली अलाउंस है जो फॉलिक एसिड की आप दें पेशेंट्स को, जिनमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है बच्चों में, या और कोई जिस्मानी बीमारियां, या करंट अबॉर्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आगे नहीं जा रही, उसके अंदर भी आपको फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की एक मिनिमम जो रिकमेंडेड मिकदार है वो पेशेंट्स को देनी चाहिए। सो इट एनहांसेस कंसेप्शन, इट प्रिवेंट्स मिसकैरेज, इट प्रिवेंट्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एंड इट हेल्प्स इन हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्रेगनेंसी। उसके बाद लैक्टेशन आ जाती है। लैक्टेशन के अंदर अगेन माँ की अपनी जिस्मानी सेहत अच्छी होगी तो वो मिल्क प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। सो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन देयर इज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। फिर डायबिटीज इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन आर सोसाइटी, और जेस्टेशनल डायबिटीज यानी प्रेगनेंसी में शुगर का होना। सो द स्टडीज हैव शोन दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 हैज रिड्यूस्ड द इंसिडेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ GDM। बात यही खत्म नहीं होती, उसके बाद जो अहम इस प्रोडक्ट की इंफरादियत है वो ये है कि एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल है, विच इज इजी टू स्वॉलो। और अगर विटामिन B12 आप अलहदा देंगे तो स्मेल इतनी ज्यादा होती है कि पेशेंट्स दे रिफ्यूज टू टेक। और आप में से एग्री करेंगे कि हम खुद भी दवाइयां लेने के बहुत चोर होते हैं। सो अगर अब हम कहेंगे दो दवाइयां लेनी है तो प्रोबेबली वी विल स्किप वन एंड वी विल टेक ट्राई टू मिस टू टैबलेट्स। तो जब आप एक ही जगह कॉम्बिनेशन दे देंगे सो इट इज इजी टू टेक, और इसकी कंप्लायंस बेहतर हो जाती है। सो दूसरी सॉफ्ट जेल का ये फायदा है, अगर कोई लीक होगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने ये दवाई नहीं लेनी, नॉट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू take. So if I sum it up, the role of vitamin B12 and folic acid in one tablet. So this combination, it improves compliance, it make it more palatable, and the huge benefits of the combination before pregnancy, in childhood, in young age, growing age, where folic acid requirement is more, along with vitamin B12, क्योंकि आजकल हमारे पास patients आते हैं जिनके अंदर खाली iron deficiency anemia नहीं होता, they have megaloblastic deficiency anemia, folic acid deficiency anemia as well. और हमारी diet इतनी poor होती है कि उसके साथ folic acid deficiency improve नहीं होती,
सो वी नीड टू, अब हम क्या करते हैं, हम उनको आयरन तो दे देते हैं लेकिन फॉलिक एसिड और विटामिन B12 नहीं देते. सो आई विल एडवाइज एंड आई विल रिकमेंड, माई रिकमेंडेशंस आर दिस, we should use this unique combination in children, in adolescents, young people, during pregnancy, during lactation, as well as in old age, women as well as men, because menopause or the age after 50, there are various deficiencies, and with this combination, the patient can have more active energetic life. And I would like to reiterate again that this is the new unique combination which is first time launched in Pakistan. Thank you.